हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है C-5 सुपर गैलेक्सी भारत आ रहा, इंडिया यूएसए रिलेशंस। अच्छा, तो मेरे ख्याल से CS सुपर गैलेक्सी, इनका जो मेरे ख्याल से अमेरिका का बहुत बड़ा प्लेन है, जिसमें जनरली ट्रूप्स और वो सब जब बहुत सारे लेके जाने होते हैं कहीं तो वो यूज करते हैं। मेरे ख्याल से बिगेस्ट है शायद इंडिया का, सॉरी यूएसए का। तो देखते हैं न्यूज क्या है कि इंडिया क्यों आ रहा है ये इतना बड़ा प्लेन। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सरकार के लेवल पर बल्कि भारतीय लोगों के सामने भी अमेरिका को एक दोस्त की तरह प्रेजेंट किया और अमेरिका की जो ओवरऑल छवि थी उसे ही बदलकर रख दिया था, खास करके भारतीय लोगों के सामने। लेकिन पिछले एक हफ्ते में अमेरिका की छवि भारत में खराब हुई है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। वो क्यों? वो इसलिए कि भारत और अमेरिका के संबंध इस समय पूरे चरम पर हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अगर कोई है तो वो अमेरिका है। भारत अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है। दूसरी बात, भारत और अमेरिका की जो सेनाएं हैं आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्लोज मानी जाती हैं। लेकिन जब बात आई कोरोना की, जब भारत संकट में फंसा, तो जिस अमेरिका को सबसे पहले आना चाहिए था मदद के लिए वो अमेरिका चुपचाप बैठा रहा। और यही नहीं, उनकी आंखें तब जाकर खुली जब भारतीय NSA अजित डोवाल ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया कि जी आपकी छवि भारत में बहुत ही खराब हो रही है, यहां तक कि चीन, पाकिस्तान जैसे देश भारत को मदद भेज रहे हैं और आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रूस, वो भी भारत मदद भेज रहा है, तो ऐसे में आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तब जाकर अमेरिका की आंखें खुली, अमेरिका एक्टिव हुआ। लेकिन आज की तारीख में ना सिर्फ अमेरिका की सरकार एक्टिव है बल्कि उससे ज्यादा अमेरिका की सेना एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बाइडेन तो 4 साल के लिए है, उसके बाद तो उनकी उम्र भी नहीं है कि वो राष्ट्रपति बन सके। लेकिन हमें भारत के साथ आने वाले 20-25 सालों तक अलायंस बनाकर रखना है अगर चीन को पछाड़ना है। तो ऐसे में भारत के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अमेरिका की सेना आज भारत बहुत बड़ी मदद लेकर आ रही है। ये इतनी बड़ी मदद है कि अगर आप इसे फ्रांस, इसके अलावा रूस और इसके अलावा अमेरिका ने जो पहले मदद भेजी थी उन तीनों को अगर आप कंबाइन कर लें तो उसे भी पीछे छोड़ देगी। और इस मदद को लेकर आ रहा है अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट C-5 सुपर गैलेक्सी, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी माना जाता है। और ये क्या क्या लेकर भारत आ रहा है, पहले लिस्ट देख लीजिए आप। C-5 सुपर गैलेक्सी लेकर आ रहा है करीबन 9,60,000 रैपिड टेस्ट किट, जो 15 मिनट के अंदर आपको बता देंगी कि आपको कोरोना है या नहीं है, ताकि आपका जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके। इसके अलावा 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर ये लेकर आ रहा है। इसके अलावा 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भिजवा रहा है अमेरिका इसी के जरिए, जो इमीडिएटली ऑक्सीजन बनाकर पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा लार्ज स्केल ऑक्सीजन जनरेटर भी भेजे जा रहे हैं और इसके अलावा एक टीम भी स्पेशल भेजी जाएगी जो भारतीय लोगों के साथ मिलकर इनका इंस्टॉलेशन भी शुरू करेगी जल्द से जल्द। और इसके अलावा एक चीज और, 1 लाख N95 मास्क भी भेजे जा रहे हैं। और इन सब की जो टोटल वैल्यू बताई गई है करीबन $100 मिलियन है। और भारत से पैसे नहीं लिए जाएंगे, ये US एड के अंतर्गत अमेरिकी सेना प्रोवाइड करा रही है कैलिफोर्निया स्टेट के जरिए। और $100 मिलियन रफली बैठते हैं 730 करोड़ के आसपास। और अमेरिका की सेना की तरफ से एक अच्छा गेस्चर भी देखने को मिला। दरअसल उन्होंने हर इक्विपमेंट पर जय हिंद लिखा है, यानी कि एक अच्छा गेस्चर भी भारत को दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम एक और एयरक्राफ्ट भारत भेजेंगे जो होगा C-130J ग्लोबमास्टर। वो भी एक बड़ा ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, भारतीय वायुसेना में भी शामिल है, तो उसे भी पूरा भरकर भारत की मदद के लिए भेजा जाएगा। और आने वाले समय में आप ऐसे ही एयरक्राफ्ट और भी देख सकते हैं। यानी कि अमेरिकी सेना ने साफ संकेत दे दिया है कि देखिए, जो बाइडेन जैसे लोग हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये 4-5 साल रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन उन्हें भारतीय सेना के साथ 25-30 सालों तक रहना है क्योंकि चीन को पछाड़ना है। तो ऐसे में उन्हें भारत की मदद करनी होगी और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने ही रखने होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज है, पर प्रेजेंटेशन जो कहूंगी वो ठीक नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक चीज उन्होंने ये शो किया कि जो बाइडेन पॉलिटिक्स में है उनकी तरफ से नहीं आई, ये US की मिलिट्री के थ्रू आई है। बिल्कुल गलत। US मिलिट्री कैन नॉट डिसाइड, इस मामलों में उनका कोई हाथ नहीं है। वो सिर्फ प्रेसिडेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करके ला रहे हैं। वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इसको एक प्लेन में आना था, सामान बहुत ज्यादा था, उसके लिए सबसे बड़ा प्लेन जो था वो चाहिए था, और मिलिट्री के लोगों ने, जैसे हमें यहाँ पे वैक्सीन मिलिट्री के लोग लगा रहे हैं, ये टास्क मिलिट्री को दिया गया। तो वो एक जो बात इन्होंने जिस तरह से बोली वो बिल्कुल गलत थी। क्रेडिट इस सब का जाता है यूएस की गवर्नमेंट को, तो इस बारे में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा जेस्चर किया, मैं कहूंगी अब तक का सबसे अच्छा जेस्चर जो है किसी और भी कंट्री से कंपैरिजन में यूएस ने किया है, कि एक तो इतना सारा सामान एज एड भेजा है जो बता रहे हैं कि 100 मिलियन डॉलर्स है, और जिसको करोड़ों में किया तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद 700 करोड़ या कुछ बताया था। इतना सारा उन्होंने अभी फर्स्ट शिपमेंट दी और कह रहे हैं एक हफ्ते के अंदर एक और प्लेन आएगा, और इसके अंदर ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और एक ऐसी टेस्ट करने के लिए कोविड की जो 15 मिनट में बता देती है, सब मतलब बेस्ट टू बेस्ट चीजें उन्होंने भेजने की कोशिश की, जिससे सारा जो है ये सिचुएशन जल्दी जल्दी जितनी ठीक हो सके। तो बहुत ही अच्छा जेस्चर किया, और हर के अंदर जय हिंद जो बोला ना कि उनको लिख के दिया है, कितना अच्छा प्यारा जेस्चर है उनका, बहुत ही अच्छा है। मैं मतलब हम लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कि एक ऐसी कंट्री से फ्रेंडशिप हुई है हमारी जिन्होंने हेल्प किया, पर उसको नेगेटिव वे से अब दिखाना मुझे लगता है वो हमें शोभा भी नहीं देता, कि अगर किसी ने हेल्प की है तो बोला कि वो डर के हमें हेल्प कर रहे हैं या उनको हमारी मजबूरी है तो वो हेल्प करें। आजकल के टाइम में किसी को किसी की इतनी मजबूरी नहीं होती कि कोई डर के हेल्प करेगा। ये वो गुड रिलेशनशिप्स करना चाहते हैं इंडिया के साथ, उनको लगता है कि फ्रेंडशिप इंडिया के साथ बहुत अच्छी रहेगी, इंडिया ने हेल्प की थी यूएस की इन टाइम ऑफ नीड। जो रिलेशनशिप ट्रंप ने डेवलप की मोदी जी के साथ, जो हमने इतने सारे सुंदर सुंदर वीडियोस देखे थे, उसी को कंटिन्यू करने के लिए जो जो बाइडेन है उन्होंने भी ये जेस्चर दिखाया है। तो इस टाइप से अगर हम न्यूज दिखाएंगे पब्लिक को, इंडियंस को, कि भाई दबाव में आ गए या कुछ, तो यूएसए जो कंट्री है, हम तो वहीं रहते हैं, हमें पता है कि किसी के दबाव में नहीं आएगी यूएसए। तो जेस्चर बहुत अच्छा है, एंड बस यही होप है कि दोनों कंट्री की इसी तरह से रिलेशनशिप रहे, और यूएसए जो है इंडिया को हेल्प करके इंडिया को इस क्राइसिस से जल्दी निकलने का मौका मिले, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि वो हम लोगों को, हमारा कल्चर ऐसा है कि जो हमारी हेल्प करता है उसके ऊपर तो हम जान भी निछावर कर देते हैं अगर जरूरत पड़े। तो इस कंट्री जो हमारी कंट्री है वो बहुत मतलब उस टाइप की कंट्री है कि सब पूरे वर्ल्ड को हेल्प करे, और यहाँ पे हेल्प मिलेगी, उसके बाद इंडिया देखो बाकी वर्ल्ड में भी सबको उसी तरह से फिर हेल्प कर सकेगा। तो बहुत ही प्यारा वीडियो था। राइट, अब इसमें कई बातें समझने की। पहली बात यह है कि जब मिस्टर ट्रंप और मिस्टर बाइडेन के वोटिंग हो रही थी, जब इलेक्शन चल रहे थे, तो मोस्टली ये था इंडिया चाहती थी कि मिस्टर ट्रंप जीते। तो आप सोच सकते हैं मिस्टर बाइडेन को क्या लग रहा होगा। ठीक है, पहले तो आपने मतलब आप चाहते थे कि वो ना बने प्रेसिडेंट, ठीक है, अब वो जब बन गए हैं प्रेसिडेंट और अब वो हेल्प कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं वो नहीं हेल्प कर रहे, वो तो कोई और मिलिट्री हेल्प कर रही है। तो ये जो है डेमोक्रेसी है, कंट्री जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है यूएसए, और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में वही होता है जो एट द एंड जो हेड ऑफ द कंट्री डिसाइड करता है। इंडिया में भी जैसे इंडिया कंट्री थोड़ी कोई डिसाइड कर सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में मिलिट्री बोले भेज दो, मिस्टर मोदी कहे नहीं मेरे को पसंद नहीं है मगर मिलिट्री भिजवा रही है, तो मेरे अगेंस्ट, हाँ मेरे अगेंस्ट। तो क्वेश्चन ये होता है अगर कोई चीज आ रही है, इंस्टेड की आप थैंक करें उस प्रेसिडेंट को जिसको शुरुआत से, जिसके आप अगेंस्ट थे, आप ये बोल रहे हैं नहीं भाई आपने भेज दिया कोई बात नहीं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं, मतलब इस न्यूज की कि ऐसा हुआ कि एक प्रेसिडेंट ने भेजा जय हिंद लिख के अपना सामान, जो वर्ल्ड की अभी भी सुपर पावर है, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है मिलिट्री स्ट्रेंथ में और हर चीज में, उस कंट्री के उस प्रेसिडेंट ने भेजा जिस प्रेसिडेंट को आप नहीं लाइक करते, उस प्रेसिडेंट ने भेजा, इंस्टेड कि आप उसको थैंक करें, आप बोल रहे हैं नहीं भैया तू तो बुढ़ा आदमी है और हम जो हैं तुम्हारी मिलिट्री को जरूरत है ऐसे भेज रहे हैं। ये कुछ समझ नहीं आया मुझे, और अगले बारी में तो तुमने नॉर्मली, हाँ मतलब समझ नहीं आया मुझे कॉन्सेप्ट क्या है। इंस्टेड कि आप किसी को थैंक करिए, भाई आपने, जबकि हम आपको नहीं चाहते थे फिर भी आप बन गए। और इंडिया डिसाइड नहीं करेगी कौन बढ़ेगा यूएस का प्रेसिडेंट, वो यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया, जो बनाना था उसको बना दिया। वो भाई साहब भेज रहे हैं मटेरियल, और तो यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहिए न्यूज़पेपर को। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मीडिया की। मीडिया गलत बता रहा है लोगों को, लोग तो अपने हिसाब से सोचे, दैट इज ओके। मीडिया को थैंक करना चाहिए कि थैंक गॉड कि आपने भेजा है, बहुत अच्छी बात है, आप हेल्प कर रहे हैं, मच अप्रिशिएटेड है, जय हिंद लिखा है, इसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट भी अच्छा है, हमें इसकी बात खुशी हुई है। मगर इस तरीके से बोलना बड़ा, मेरे को तो अजीब सा लगता है ये बोलना कि खास कर जब देखा कितना कुछ भेजा है। और रियली आपको लगता है कि, और ये भी मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है कि यूएस क्यों चाहता है। यूएस एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए चाइना सुपर पावर बनता है तो लॉस यूएस का ज्यादा नहीं होगा, इंडिया का ज्यादा लॉस होगा। ये समझना चाहिए। जो ये बोलता है कि यूएस अपने वहां बैठा हुआ है, वो ऑलरेडी सुपर पावर है, यहां पे चाइना अगर सुपर पावर बनता है तो किसका लॉस होगा? उसका, जो इतनी दूर बैठा हुआ है, कि साथ में जो कंट्री इंडिया है उसका लॉस होगा। और फाइट तो इंडिया से ही करता है वो हर बारी। किसका? चाइना एक्सपेंड करेगा तो पहले कहां एक्सपेंड करेगा? इंडिया को अटैक करेगा, राइट। तो मतलब जो भी है थोड़े पॉजिटिव। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो इंडिया के थिंक टैंक हैं उनको सब पता है, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनको पता है, तो मुझे खुशी यह है कि इंडिया के लोगों को पता है कि अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उस पर थैंकफुल रहना चाहिए। और जो थिंक टैंक है उनको पता है कि नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज खुशी खुशी वहां से स्टेटमेंट्स दे रही हैं। तो जो भी है वो स्टेटमेंट्स नेगेटिवली दिखा रहे हैं कि उनकी, मुझे नहीं पता कौन नेगेटिव दिखा रहा है, तो वो समय बताएगा। मगर जहां पे जो हेल्प आ रही है, जो लोगों को हेल्प मिलेगी, वो अप्रिशिएटिव होंगे। मीडिया का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी के रिलेटिव्स को ऑक्सीजन चाहिए, किसी रिलेटिव्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनकी जो जान बचेगी, उनको जो हेल्प मिलेगी, वो थैंकफुल होगा दूसरी कंट्री के लिए जिसने भेजा, सामान भेजा है। कभी भी कोई कंट्री अधिकार नहीं जमा सकती कि तुम्हारी ड्यूटी है मेरी हेल्प करने के लिए। आप ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन है मेरी हेल्प करने के लिए, ऐसा नहीं होता। हेल्प मांगी जाती है कि आप प्लीज हेल्प करिए, हमने आपके समय पे आपकी हेल्प की थी, आप करिए। मगर ये अधिकार कोई जमा नहीं सकता, दोस्ती से चीजें काम होती हैं। आप किसी को ऐसे एक कंट्री दूसरी कंट्री को नहीं बोल सकते कि अरे भैया तुम्हें करना ही था मुझे, तो वही बात होगी। अपने पड़ोसी को बोलो कि मेरा बिजनेस दूर है तो पैसा क्यों नहीं लगाता, तू तो मेरा बिजनेस, तू तो मेरा नेबर है। तो ऐसे नहीं होता, ये भाईचारे से होता है, दोस्ती से होता है, अच्छी गुडविल से होता है। जब गुडविल है तभी तो भेजा है। ये वही प्रेसिडेंट है जिसके अगेंस्ट पूरा इंडिया बोलता था, राइट। तो अब जो आ रही है तो बोले अरे तो हेल्प नहीं करा, अरे तो हेल्प नहीं करा। अरे भैया जब टाइम था तुम ही तो बोलते थे गलत प्रेसिडेंट है। जब गलत प्रेसिडेंट है तो उसी से अब हेल्प मांगी जाएगी। तो ये तो सोचना पड़ेगा लोगों को। मगर अच्छी बात यह है कि कोई इसमें कंट्री इमोशनल नहीं हो रही। वो कह रहे हैं आपको नीड है, आप एलआई हो, हम भेज रहे हैं हेल्प, ये रही हेल्प। और आई होप कि आप समझेंगे इसके बारे में कि हेल्प करी गई है। आई होप आप जो रेसिप्रोकेट आप पहले कर चुके हैं तो हम भी रेसिप्रोकेट करें। जबकि प्रेसिडेंट बदल चुका है, मगर दूसरा प्रेसिडेंट भी अप्रिशिएट करता है कि आपने हेल्प की थी और ये हो रहा है। और चाइना का सुपर पावर करता है, उससे ज्यादा लॉस यूएसए का नहीं होगा। यूएसए ऑलरेडी सुपर पावर है, ज्यादा लॉस होगा जो आसपास के चाइना के नेबर्स हैं उनको लॉस होगा। तो जो भी था बहुत अच्छी बात है कि हेल्प आ रही है इंडिया को डिफरेंट कंट्री से। यस फ्रेंड्स, और जो उन्होंने बॉक्सेस में जय हिंद लिखा है ना, उसने मेरा दिल जीत लिया। बहुत ही प्यारा जेस्चर है। तो होप करते हैं कि जल्दी से जो कोविड है इस सब से हम लोग निकल जाएं और सारी जो लोग हैं जल्दी से ठीक हो जाए, वैक्सीनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, स्टे करना घर के अंदर ही जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं होती। बी सेफ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।